गाइस वेलकम बैक माय न्यू अंदर वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूं ताल वृक्ष, जो कि अलवर से करीब 45 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा प्राचीन और बहुत ज़्यादा पुराना है, तो इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी बातें हिस्टोरिकल बातें हैं। और वहाँ पर एक गंगा माता का मंदिर है जो कि बहुत फेमस है और उसी के नीचे दो कुंड है, गर्म पानी और ठंडे पानी का। सो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और बहुत ही अमेजिंग प्लेस है घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं ताल वृक्ष। ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से 10 किलोमीटर आगे ताल वृक्ष है, तो अभी हम बस पहुँचने वाले हैं। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा नलदेश्वर श्रेणी, वहाँ से मैं सोचा करीब है तो आप क्यों ना ये भी आपको दिखाया जाए। सो अभी चलते हैं आगे 10 किलोमीटर, फिर आपको दिखाता हूँ ताल वृक्ष जो। अभी हम आ चुके हैं ताल वृक्ष और यहाँ पर आप देखते हैं हमने जो अपने व्हीकल वो पार्क कर दिए। चलिए अंदर चलते हैं। और ताल वृक्ष बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी प्राचीनता को लेकर। यहाँ पर कुंड भी बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखते हैं जो कबूतर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000-2000 कबूतर हर टाइम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और पर यहाँ पर गाइस गंदगी का बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें। और यहाँ पर बंदर अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ मंदिर भी है, अभी आपको लेकर चलता हूँ। और देख सकते हैं कबूतर की बात करते हैं, कबूतर ये लो। तो यहाँ पर ये ताल वृक्ष, ये नीचे पानी का भी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है। चलिए हम आपको मंदिर दिखाते हैं। सो अभी आपको कुंड भी दिखाऊँगा। और ये जो मंदिर है वो बहुत पुराने माता जी का मंदिर है, नावड माता का मंदिर है। और पीछे से कुछ इस तरीके का ताल वृक्ष। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको देख सकते हैं कबूतर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर रवन भी है। और गाइस यहाँ पर परिक्रमा के लिए भी है। देख लिया यहाँ से, अभी इस साइड को चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा लगा मंदिर और देखने लायक है, बहुत अच्छा है, प्राचीन है। और अभी आपको गर्म पानी का कुंड और ठंडे पानी का कुंड भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक मंदिर है और श्री गंगिम रानी जी का कोई मंदिर है, तो मेरे दोस्त अंदर गए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ गर्म पानी का और ठंडे पानी का कुंड। यहाँ से हमको नीचे जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा जाल बिछा रखा है, पर यार गंदगी बहुत ज़्यादा है, जो गंदगी का अगर यहाँ साफ सफाई रखे तो बहुत अच्छा हो जाए, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। और देखो एक बार आप ही हालत देखो यहाँ की, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। आपको मैं दिखाया ताल वृक्ष जो कि अलवर से 45 किलोमीटर है। सो कैसा लगा आपको ताल वृक्ष मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक करें। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं, बस ये प्राचीन है, पुरानी मूर्तियां हैं और इसमें नहाने के लिए जो जल है वो मतलब ठंडा पानी और गर्म पानी कुंड है और इन चीज़ों के बाद फेमस है। और तो इसमें तो इतना कुछ खास है नहीं। बाकी आज हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सुबह 4 बजे निकले पड़े हैं, अभी 12:30 बज गए हैं। तो अभी अब विचार है अब घर जाएंगे सीधा, तो चल निकलते हैं अब घर के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।